दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिक इंडिया EV28 में। और अभी मैं जिस रिक्शे बैठा हूँ ये कुछ आधा अधूरा सा लग रहा है, और आधा अधूरा का रीज़न यही है कि ये है शाह यात्री कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग। मतलब यहाँ पे शाह यात्री का जो रिक्शा है वो मैन्युफैक्चर होता है। ये पूरा पीछे आप देख रहे हैं, पूरा स्टॉक खड़ा है और ये हमारे साथ ये। तो आज की वीडियो में मैं शाह यात्री की पूरी मैन्युफैक्चरिंग बताऊँगा कि एक लोहे से लेकर पूरा ई रिक्शा कैसे बनता है, ठीक है। तो अच्छा, तो पूरी वीडियो देख के ज़रूर जाना क्योंकि कितनी मजबूती से बनता है, क्या क्या सीन है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करूँ, सबसे पहले क्या होता है, आपका जो ट्रक है उसमें आपका लोहा आता है, रॉड आते हैं, बड़े बड़े पाइप आते हैं। वो पाइप को पहले उतारा जाता है, उतारने के बाद उसको कटिंग की जाती है। अब कटिंग भी एक पूरा प्रॉपर साइज में होती है, तो एक प्रॉपर मशीन से होती है। और जिस तरह से आप दिख रहे हैं यहाँ पर पूरा प्रॉपर वेल्डिंग हो रही है, प्रॉपर सब हो रहा है। और यहाँ पर एक जो भी हिसाब से जो भी चेसी बनाने के लिए, जो चेसी बनाने के लिए, चाहे आपका ऊपर कवर बॉडी बनाने के लिए, चाहे वो जाली बनाने के लिए, आपका साइड का पैनल बनाने के लिए, ये बनाने के लिए जो भी सब कुछ बनाने के लिए वो अपना रॉड वहाँ पर काट देते हैं। और उसके बाद रॉड के अलावा यहाँ पर आपकी बड़ी सी शीट भी आती है। उस शीट से क्या होता है, जो आपकी ये छत हो गई या आपका ये फ्रेम हो गया वो शीट से बनता है, तो वो भी यहाँ पे आपका अवेलेबल हो गई। इसके बाद क्या होता है, सारी जो रॉड काटी गई है वो सारी काट रॉड को काट के एक चेसी में तब्दील किया जाता है। चेसी में अगर मैं बात करूँ, आपका पूरा नेक हो गया, पीछे वाली बॉडी हो गई, लोडर के लिए अलग बॉडी बनती है, ई रिक्शा के लिए अलग बॉडी बनती है, और जितना भी पूरा ई रिक्शा है पीछे से लेकर आगे तक जो मेन मजबूती है ई रिक्शे की वो यहाँ पर तैयार होती है पूरी बॉडी के साथ, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। आपको डबल चेसी मिलते हैं, प्लस अगर आप ये लोडर देख रहे हैं तो लोडर में क्या है, डबल प्रोटेक्शन। एक तो नीचे चेसी मिल रही है, उसके नीचे एक और प्रोटेक्शन लगा रखी है जिसके कारण ये ऐसे सैंडविच बन जाए और आपकी जो मजबूती है वो ई रिक्शे में लोडर में और बढ़ जाए, ठीक है। ये होने के बाद अब आपका क्या आता है कि आपका चेसी बन गई। अब चेसी बनने के बाद जो इसके बॉक्स हैं जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, ये बॉक्स कहाँ से बनेंगे, तो ये बॉक्स बनते हैं। उसके बाद आपको वेल्डिंग होती है, ये देखिए यहाँ पे मशीन से वेल्डिंग हो रही है, प्रॉपर मशीन से वेल्डिंग होती है, लोग वेल्डिंग करते हैं। तो सारा जो बॉक्स है, अलग अलग बॉक्स अलग अलग बॉक्स बन जाता है, तो यहाँ पे बॉक्स बन के इस तरह से तैयार हो जाता है। आगे वाला बॉक्स हो गया, ये चीज़ हो गई, आगे वाला बॉक्स हो गया, पीछे वाला बॉक्स हो गया, सारे बॉक्स जो हैं वो आपको लग जाते हैं और उसके ऊपर अच्छे से वेल्ड करते हैं। और उसके बाद वेल्डिंग करने के बाद उसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड का फायदा ये होता है, जैसे आपने वेल्डिंग किया तो वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग का एक थोड़ा सा दाना रह जाता है, थोड़ा सा उसमें निकला होता है जो आगे कट सकता है, चुभ सकता है, उसको कवर करने के लिए इसको ग्राइंड किया जाता है, जिससे क्या होता है इसकी फिनिशिंग जो होती है। शाह यात्री है वो SS में बनाता है, स्टील में बनाता है और लोहे में बनाता है, दोनों की फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिनिशिंग के बाद ही होता है कि आप एक अच्छा ई रिक्शा तैयार हो जाता है। क्योंकि अगर फिनिशिंग नहीं होगी तो कहीं भी आप पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद क्या होगा, जैसे आप इधर देखिए वेल्डिंग आप देख रहे हैं, चाहे वो नेक वेल्डिंग हो, चाहे वो आपकी एल्यूमिनियम जो सामने लग रखा है उसकी वेल्डिंग हो, तो दोनों वेल्डिंग है, तो ये दोनों वेल्डिंग में फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिनिशिंग के बाद ही क्या होता है कि आप किसी भी ई रिक्शा को तैयार मानते हैं, कंप्लीट मानते हैं, ठीक है। ये पूरी फिनिशिंग हो गई, अब आपका क्या है, इसी तरह से फिनिशिंग में आपका आगे वाला जो बटरफ्लाई डिज़ाइन है वो हो गया, चाहे वो आपका ये चीज़ अगर मैं बात करूँ आपका ये हो गया, जो आगे बटरफ्लाई दिख रही हो गया, लोहे में भी बटरफ्लाई, आगे का जो बटरफ्लाई डिज़ाइन है वो आपका लोहे में भी आता है और आपका SS में भी आता है, तो दोनों में आपको अवेलेबल है। तो दोनों की फिनिशिंग, और SS में तो पेंट करने की जरूरत नहीं है, लोहे में पेंट करने की जरूरत है। और पीछे का जो मडगार्ड हो गया वो आपको दिख रहा है, मडगार्ड हो गया या ऐसे कोई भी चीज़ हो गई, छोटे से छोटा पार्ट जो इसमें जो भी पेंट करने लायक है वो सारा पेंट करने में जाता है। वेल्डिंग हो गया, अब जाता है पेंट होने, मेन काम है पेंट होना। अब पेंट होने में शाह यात्री कहता है कि भैया हम ED कोटिंग करते हैं। मैंने कुछ कंपनी पे गया, कुछ कहता है ED कोटिंग क्या होती है भैया। ईडिंग कोटिंग में मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि ईडी कोटिंग में आपका जो डुबोने का रीज़न ये होता है कि डुबोने के बाद अगर उस पर पेंट करते हो तो पेंट आपका पपड़ी नहीं बनता है, जंग नहीं लगता है, ठीक है, जंग से फ्री। तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है, आपको 9 अलग अलग केमिकल में, आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
पूरे 9 अलग अलग केमिकल में इसको डुबोया जाता है और इसको जंग लगने का खतरा बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाता है। उसके बाद इसको थोड़ी सी सफाई होती है, जो भी केमिकल लगाए हो, केमिकल जो उसमें रह गया उसको हल्का सफाई किया जाता है। सफाई करने के बाद आगे चलता है और आगे जाने के बाद इसमें एक और बात, लेयर कोटिंग होती है, ठीक है। एक और बात, नॉर्मल गन जो होती है उससे लेयर कोटिंग होती है। लेयर कोटिंग के बाद उसके बाद आगे एक और तीन लेयर कोटिंग की आपको तीन प्रोसेस, जिस कलर का मान लो आपको अभी दिख रहा है मिलिट्री ग्रीन कलर में हो रहा है तो मिलिट्री ग्रीन कलर में हो गया, चाहे फिर अगर आपका रेड कलर में आपको दिख रहा है ऑरेंज, क्योंकि शाही यात्री में बहुत सारे कलर हैं। आप यहाँ पूरे इतने सारे रिक्शे खड़े हैं, नेवी ब्लू कलर है, रॉयल ब्लू कलर है, ऑरेंज है, मिलिट्री ग्रीन है, ब्लैक है, वाइट है, सारे कलर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो सारे कलर जिस कलर का आपको चाहिए उस कलर का यहाँ पे पेंट हो जाता है। और जो बेसिक चीज़ें जैसे कि आपका मडगार्ड हो गया और मडगार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें ब्लैक ही रहती है, तो मेन ब्लैक पेंट हो जाता है। इसके बाद पेंट होने के बाद जाता है, मेन पेंट होकर उसका जाता है भट्टी में। ये आपको जो पूरी चेन दिख रही है, पूरी आपको जो चेन दिख रही है, चेन जाता है भट्टी में, एक तरफ से जाता है आपको पूरी जो ये साइकिल जो चल रही है, चेन चल रही है, पूरी जो कन्वेयर बेल्ट जिसे कहते हैं वो चल रहा है। तो आपका एक साइड से जा रहा है अंदर भट्टी के अंदर, भट्टी के अंदर अच्छा खासा 300-400 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को कवर करता है, और पीछे जाता है भट्टी में। और भट्टी में जाने के बाद आपका ये अंदर से जो पेंट आपने किया है वो पेंट को सूख जाता है, और ये शाइनिंग जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, शाइनिंग जो दिख रही है सामने आपको, शाइनिंग जो दिख रही है प्रॉपर, इसमें अभी रेड कलर की शाइनिंग दिख रही है, ये शाइनिंग आपकी उसमें आ जाती है, ठीक है। और इसकी तरफ जो भी सारा पेंट करके आपको निकलवा दिया जाता है, पेंट हो गया। अब आपका पेंट करने के बाद जो मेन बॉडी है वो एक असेंबलिंग यूनिट जहाँ पे पूरा असेंबल होता है वहाँ पे रख दिया जाता है। असेंबली आप देख रहे हैं पूरे इतने सारे कलर यहाँ पे असेंबल होने के लिए रेडी हैं। ये पूरा इनका बड़ा सा प्लांट है जो असेंबलिंग होने में असेंबलिंग हो रहा है, ठीक है। और असेंबलिंग में क्या है आपका, चाहे वो ट्रिपल लाइन अलग अलग, इनको अलग अलग जिस तरह का आप डीलर हैं तो, कस्टमर हैं तो, जो जिस कंपनी का आपको मोटर कंट्रोलर चाहिए, डिफेंसर चाहिए, उस कंपनी का यहाँ पे लगा के दिया जाता है, क्योंकि अवेलेबल बहुत सारे हैं। खुद की कंपनी का भी है और अगर टॉप की जो अलग अलग कंपनी, सीवाई गोल्ड हो गया, नानिया हो गया, या मैं अगर कहूँ ट्रिपल लाइन हो गया, तो इन सारी कंपनी का भी इसलिए दे रहे हैं, ठीक है। ये सारा होने के बाद इसको पूरा यहाँ पे प्रॉपर असेंबलिंग किया जाता है। असेंबलिंग आप देख रहे हैं कि छोटे से छोटा पार्ट, बड़ा से बड़ा सामने आपको लोहे में मिल रहा है, ये भी असेंबल होता है। आपको मडगार्ड हो गया, आपका बम्पर हो गया, डिफेंशर हो गया, शॉकर हो गया, और पीछे जो शाही यात्री जिसके लिए जाना जाता है, जो कि टॉप मॉडल में आता है, जो कि ऊपर वाले मॉडल में आता है, पीछे का जो स्टेपनी कवर है ये भी आपको मिल रहा है। पूरा सारी चीज़ें प्रॉपर आपको शाही यात्री रिक्शे में लग गई। अब इस तरह से आपका पूरा शाही यात्री रिक्शा तैयार हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम में भी यहाँ पे होता है, तो एल्युमिनियम में हो गया, लोहे में हो गया, हर सब में पेंट हो गया। उसके बाद स्टॉक इनका इतना सारा है वाइट कलर। इलाहाबाद गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि इलाहाबाद में सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर के रिक्शा चलेंगे, तो इतने सारे आपको वाइट कलर के रिक्शा मिल रहे हैं। और उसके बाद अलग अलग कलर की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑरेंज कलर हो गया, रेड कलर हो गया, मिलिट्री ग्रीन कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, नेवी ब्लू कलर हो गया, बहुत सारे ऐसे कलर हैं, ऑरेंज भगवा कलर हो गया, ये सारे कलर में आपको जो ई रिक्शा है वो मिल रहा है। तो ये पूरा इतना बड़ा प्लांट है, पूरी प्लांट की पूरी चीज़ हमने आपको बता दी। तो अगर आपको ये इसकी डीलरशिप मजबूती कैसे बनती है सब चीज़ें बता दी। अगर आपको शाही यात्रा की डीलरशिप लेनी है तो वीडियो के नीचे दोस्तों दो नंबर आ रहे हैं, एक नंबर पर कॉल करेंगे तो आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी शाही यात्रा की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और नंबर आ रहा है, उस पर कॉल करिए शाही यात्री की, आप एक सिंगल रिक्शा पूरे इंडिया में कहीं पर भी सिंगल रिक्शा चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो सर इसके बाद हम आपका शाही यात्री का जो ई रिक्शा है और लोडर है दोनों का एक पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं कि क्या क्या पार्ट लगे हैं, कितना साइज़ मिलता है लोडर, कंट्रोलर क्या है, मोटर क्या है, वारंटी क्या है, चेसी क्या है, सब चीज़ A to Z हम बताने वाले हैं। उसके बाद दो वीडियो आने वाली है शाही यात्री की, तो वो वीडियो भी पूरी देख के ज़रूर जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार हम पैसे बना रखें। धन्यवाद।